स्टॉक रिसर्च सेंटर। आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं एशियन पेंट के स्टॉक के बारे में। एशियन पेंट का जो स्टॉक है अभी करंट प्राइस जो ट्रेड कर रहा है यहाँ पे, ये 3260 के आसपास यहाँ पे ट्रेड कर रहा है। मार्केट कैप जो है यहाँ पे 3,12,000 करोड़ का एशियन पेंट का है, और लोवेस्ट जो प्राइस था इस साल का यहाँ पे 2686 रुपये यहाँ पे नीचे की ओर गया था। प्राइस टू अर्निंग रेशियो की अगर बात करें तो 67 के प्राइस टू अर्निंग रेशियो पे काम कर रहा है, और इंडस्ट्री का जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो है वो यहाँ पे 61.4 है। बुक वैल्यू यहाँ पे 167 है, और डेप्थ यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे डेप्थ बहुत कम है कंपेयर टू मार्केट कैप। डिविडेंड यील्ड भी यहाँ पे करीबन 1% के आसपास यहाँ पे ये प्रोवाइड करता है, तो कंपनी यहाँ पे बहुत शानदार है। इस वीडियो में मैं किसी भी स्टॉक की बाइंग या सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं देता हूं। अगर आपको चीज़ें सीखना है तो आप हमसे जुड़ सकते हैं, क्योंकि स्टॉक मार्केट में प्रॉफिट भी होता है और लॉस भी होता है। तो रिस्क रिवॉर्ड जो रेशियो है अपना अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से डिस्कस करें, उसके बाद ही किसी स्टॉक में यहाँ पर निवेश करें, और हमारे ही नहीं किसी भी यूट्यूबर के बहकावे पे आके किसी भी स्टॉक में ब्लाइंडली निवेश ना करें, क्योंकि यहाँ पे स्टॉक मार्केट में आपका पैसा डूब भी सकता है और आपका पैसा डबल भी हो सकता है। तो केयरफुल होके सही स्ट्रेटजी के साथ ही यहाँ पे स्टॉक मार्केट में निवेश करें। इस वीडियो का लाइक का जो टारगेट वो मैं रख रहा हूँ यहाँ पर 20 लाइक का टारगेट यहाँ पर हम एशियन पेंट के वीडियो में यहाँ पर रख रहे हैं। तो हो सकता है, हमें उम्मीद है कि आप ये 20 लाइक और 20 सब्सक्राइब का टारगेट बहुत आराम से कंप्लीट कर पाओगे। अब मेन चीज़ आती है फंडामेंटल क्या बोलते हैं एशियन पेंट के। अगर प्राइस टू अर्निंग रेशियो की बात किया जाए, प्राइस टू अर्निंग रेशियो अगर यहाँ पे एशियन पेंट का देखोगे, जो एवरेज प्राइस टू अर्निंग रेशियो है ये करीबन यहाँ पर 75 के आसपास का एवरेज प्राइस टू अर्निंग रेशियो है। कितना? 75 के आसपास का, और अभी जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो चल रहा है यहाँ पे 67, तो यहाँ पे एवरेज तक तो ये जाएगा ही, यानी 67 से 75 प्राइस टू अर्निंग रेशियो तक जाएगा ही। अब यहाँ पे 67 से 75 तक जाने में इसको यहाँ पे कम से कम 8 रुपये का यहाँ पे मूवमेंट देना पड़ेगा, प्राइस टू अर्निंग रेशियो का मूवमेंट देना पड़ेगा, 8 रुपये का नहीं, 8 प्राइस टू अर्निंग रेशियो का मूवमेंट देना पड़ेगा। और 8 अगर प्राइस टू अर्निंग रेशियो का मूवमेंट ये दिया 67 में, तो यहाँ से 10 से 12% का यहाँ पर अपसाइड क्लियर नज़र आ रहा है। क्लियर, आंख बंद करके ये स्टॉक पे निवेश किया जा सकता है 10 से 12% के लिए, बहुत आराम से देगा। ये कब आएगा ये क्लियरिटी नहीं है, किसी को भी नहीं रहती कि कब आया जाएगा, कोई भी प्रेडिक्शन नहीं कर सकता कि 1 महीने में आ जाएगा, कि 10 महीने में आएगा, कि 2 साल में आएगा, बट आएगा ज़रूर। तो यहाँ पे 12% का यहाँ पे चांसेस यहाँ पे इसमें एशियन पेंट के स्टॉक में बन रहा है। हम टेक्निकल चार्ट भी देखेंगे कि टेक्निकल चार्ट क्या बोल रहा है, वैल्यूम प्राइज एक्शन क्या हो रहा है। ये देख सकते हो पेंट सेक्टर की ये नंबर 1 कंपनी है जिसका मार्केट कैप अच्छा खासा है। उसके बाद दूसरी जो कंपनी आती है जिसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो 72 के आसपास है, ये है बर्जर पेंट। बर्जर पेंट से एशियन पेंट अभी यहाँ पर प्राइस टू अर्निंग रेशियो में नीचे है, सस्ता दिख रहा है यहाँ पर, और कंपनी भी अच्छी है, यहाँ पे पोटेंशियल ग्रोथ भी यहाँ पे अच्छा आपको दिखाई पड़ रहा है। और अगर बात करें क्वार्टरली रिजल्ट, फंडामेंटल यहाँ पे क्या बोल रहे हैं एशियन पेंट में, एशियन पेंट में अगर आप क्वार्टरली रिजल्ट देखोगे तो यहाँ पे इसका जो बिजनेस है ये यहाँ पे कंटिन्यूसली यहाँ पे बढ़ रहा है। क्या बिजनेस कंटिन्यूसली बढ़ रहा है? यहाँ पे खर्चे भी उसी हिसाब से बढ़ेंगे, बट यहाँ पे जो नेट प्रॉफिट है बिजनेस से, वो मेन मुद्दे की बात है, यहाँ पे बढ़ना चाहिए। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट तो यहाँ पे हाईएस्ट एवर हो गया है, और नेट प्रॉफिट की बात करें, नेट प्रॉफिट भी यहाँ पे हाईएस्ट एवर यहाँ पे कंपनी ने पोस्ट किया है। तो सारी चीज़ें यहाँ पे पॉजिटिव वे में हैं, तो ये यहाँ पे अच्छा पॉजिटिव इम्पैक्ट डाल रहा है, और प्राइस भी यहाँ पर ऑल टाइम हाई से
10 से 12% यहाँ पे नीचे ट्रेड कर रहा है। अब जब टेक्निकल चार्ट पे आते हैं तो वहाँ पे आपको चीज़ें और क्लियरिटी आ जाएगी। अगर बिजनेस देखोगे ईयर वाइज में बिजनेस यहाँ पे बढ़ा है, खर्चे सेम ही हैं, बहुत ज़्यादा नहीं है, और जो प्रॉफिट है ऑपरेटिंग प्रॉफिट ये यहाँ पे इंक्रीज हो गया है, और जिसके कारण यहाँ पे नेट प्रॉफिट में भी इम्पैक्ट पड़ा है। 4195 करोड़ से 4734 करोड़ के आसपास नेट प्रॉफिट ईयर का, ट्रेलिंग 12 मंथ का यहाँ पे कंपनी ने पोस्ट किया है। और हाल ही में जो यहाँ पे नेट प्रॉफिट पोस्ट किया 1575, अगर सेम 1575 चार क्वार्टर में पोस्ट करता है, क्योंकि यहाँ पे जो प्रॉफिट है वो कंटिन्यूसली यहाँ पे इंक्रीजिंग ट्रेंड में है, तो अगर इतना भी पोस्ट करता है तो यहाँ पे 6000 करोड़ का यहाँ पे आने वाले टाइम में, आने वाले ईयर में बिजनेस इसका होगा। तो 6000 करोड़ का यहाँ पे, सॉरी बिजनेस नहीं, प्रॉफिट इसको होगा। बिजनेस तो यहाँ पे 35000 करोड़ के आसपास है, तो 6000 करोड़ के आसपास इसको नेट प्रॉफिट यहाँ पे दिखाई पड़ेगा इसके बुक में। बैलेंस शीट की अगर बात करें तो बैलेंस शीट में भी यहाँ पे इनका जो रिजर्व है वो यहाँ पे कंटिन्यूसली यहाँ पे बढ़ रहा है, रिजर्व बढ़ा है। और CWIP में भी, CWIP यानी करंट वर्क इन प्रोसेस में जो ये हैं पैसा, ये भी कैपिटल वर्क इन प्रोसेस, इसमें भी अच्छा खासा यहाँ पे इनका पैसा लगा हुआ है। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करते हैं, शेयर होल्डिंग पैटर्न में अगर आप देखोगे तो 52% होल्डिंग यहाँ पे कंटिन्यूसली यहाँ पे प्रमोटर के पास बनी हुई है। 52% होल्डिंग के बाद FII के पास यहाँ पे अभी माल थोड़ा सा यहाँ पे इन्होंने मार्केट में छोड़ा है, 17% होल्डिंग है। DII ने वही माल जो FII ने छोड़ा है वो पकड़ लिया है। पब्लिक के पास जो होल्डिंग है वही है 20% के आसपास, तो यहाँ पे पब्लिक के पास 20% के आसपास होल्डिंग है। अब टेक्निकल चार्ट में आ जाते हैं, एशियन पेंट के टेक्निकल चार्ट में। एक मिनट, अगर हम 5 साल का चार्ट आपके सामने लगाते हैं तो 5 साल के चार्ट में यहाँ पे एशियन पेंट जो अपने हाईएस्ट लेवल है 3600 का जो लेवल है, वहाँ से अभी 10 से 12% नीचे ट्रेड कर रहा है, 10 से 12% नीचे ट्रेड कर रहा है, और प्रॉफिट क्या है, हाईएस्ट एवर पोस्ट कर रहा है। और दूसरी चीज़ जो है यहाँ पे एशियन पेंट के केस में जो दूसरी चीज़ है कि यहाँ पे ये जो प्राइस था, ये प्राइस था 2 जून 2021 में, और अभी यहाँ पे ट्रेड हो रहा है जून 2023। अब जून 2021 में अगर नेट प्रॉफिट आप चेक करोगे, मार्च 21 का अगर प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट चेक करोगे, सॉरी ये ईयर वाइज आ जाए, 21 का अगर नेट प्रॉफिट चेक करोगे वहाँ पे था 3200 करोड़, अभी अगर ऐसे ही चलता रहा तो यहाँ पे 6400 करोड़ के आसपास, 1560 यानी 6000 करोड़ के आसपास यहाँ पे कंपनी नेक्स्ट 4 क्वार्टर में नेट प्रॉफिट यहाँ पे लाने वाली है, तो इम्पैक्ट बहुत बड़ा होने वाला है। तो उस चीज़ को यहाँ पे आपको ध्यान देना है। और प्राइस जो हाईएस्ट लेवल बना था 3600, उससे भी 10% नीचे ट्रेड कर रहा है, कितना 10% नीचे ट्रेड कर रहा है, तो गुड अपॉर्चुनिटी है यहाँ पे। मेरी बाइंग या सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं है, सिर्फ आपको ये चीज़ें बतानी हैं। और अगर आपको चीज़ें सीखनी है हमारे साथ तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ यहाँ पर शेयर करिएगा।